हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरके खरकाटे और मेरा चैनल मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेट ऑफ ट्रांसमिशन ओपनिंग कैसा करते हैं हिंदुस्तान 2021 लोडर का। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको सिर्फ ओपनिंग के बारे में बता रहे हैं कि जेट ऑफ ट्रांसमिशन ओपनिंग कैसा करते हैं। हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ट्रांसमिशन फिटिंग कैसा करते हैं उस सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। किस रीजन से ये ट्रांसमिशन खुला वो रीजन हम दिखाएंगे। हिंदुस्तान लोडर लोड नहीं ले रहा था, इसलिए हमने ये ट्रांसमिशन ओपन किया है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो पे लेकर चलते हैं आपको और इस ट्रांसमिशन में देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलता है। दोस्तों, एक क्लिक तो बनती है। हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। अगर कर दिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो हम वीडियो बनाते हैं वो मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक से रिलेटेड होता है, तो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनती है। कहाँ है चार्जिंग पंप? दोस्तों, अच्छा, यही चार्जिंग पंप है क्या? ट्रांसमिशन का मेन चार्जिंग पंप है, इसी से पावर मिलता है ट्रांसमिशन को। दोस्तों, ये है पार्किंग ब्रेक। पूरा गियर ही साथ में आएगा क्या? इसमें क्लच एंड क्लच काउंटर की वजह से ये पार्किंग ब्रेक लगता है। लॉक निकालने से गियर बाहर आ जाएगा। ये है पार्किंग ब्रेक सिस्टम। मैंने इसको निकालना, इसका ऑर्डर दे देते ना। ये क्या काम करता है? क्यों फोरमैन, ये क्या काम करता है? क्या ये क्लच काय का काम करता है? उसका है ना, ब्रेक का। अच्छा, पार्किंग ब्रेक। अभी उसको अंदर खड़ा कर, क्या नाम तेरा? उसको निकालो, बस उसको निकालो, इसको निकालो। क्यों, ये टायर कन्वर्टर है क्या? ये वाला इसको खोल लो, टायर कन्वर्टर खोल लो, थोड़ा सा मार दोगे तो वो आ जाएगा बाहर। देखो तंबू मिलाओ, सेकंड बोल दो निकाल ले। तार में बांध के रख रहा हूँ, तब ना वही समझ रहा हूँ मैं। हाँ, जब मैं टापा हो गया हूँ बारिश में डाल। कपड़े लेने कौन गया? दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टैनर फिल्टर में एम भी चिपका हुआ है। एम से ही पता चला कि ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम आ चुका है। ये इसका चार्जिंग पंप है।
ये चार्जिंग पंप है, कंट्रोलर है, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोलर, इसी से ट्रांसमिशन कंट्रोल होता है। चलिए हम कन्वर्टर कर लेते हैं। ये भी वही लॉक है। चलो उठवा के रख ले, यहाँ पे रख घुमा अंदर का बहुत। ये सेकंड टर्बाइन है, ये फर्स्ट टर्बाइन है, ये सेकंड टर्बाइन है, ये फर्स्ट टर्बाइन कटोरा के साथ है, ये रिंग और ये कटोरा फर्स्ट टर्बाइन है, ये सेकंड टर्बाइन। दोनों साइड से, दोनों साइड से, दोनों साइड से। ऐसे कर, देखा पलटा इधर, कुछ नहीं है, मैंने की है इसमें, इसको रगड़ भाई अब पेच कर, 12 नंबर बोल को पेच कर दे, पर पेच के साथ। और ये लाख भी तो लगा है ना इसमें, एक लाख है क्या वाइसर है, वाइसर निकाल दे उसको, छोटा छोटा सामान है ना उसको रखो, है ऐसे बोल पकड़ दो, ऊपर स्क्रूड्राइवर लगा दो, दो साल खुला दो उधर, धीरे से बहुत अच्छा है उसका, ज्यादा नहीं हल्का हल्का, इसको टोको थोड़ा, अब गुटका ले लो, लकड़ी का गुटका, उसको साथ आ जाएगा, आ जाएगा। बस प्लेट बच गई, नहीं तो बहुत महंगी है। केवल ले इसको खोलो, इसके अंदर का बैरिंग टूटा हुआ है, इसको खोलना, कोई अच्छी जगह रखो, ओ बोरा मिठा, या फिर बोरा को मिठा लेना, एक कपड़े में बांध, ठीक है।
मैसेज करो नंबर पे, आपका नंबर नहीं आ रहा है। बेरिंग 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 नीचे बेरिंग बेसवा लगा लगा वा ओरिंग है वो ऊपर की साबड़ पकड़ पहले ऊपर की साबड़ पकड़ ले। हाँ ये यही वाले बस बस स्प्रिंग बाहर आ रहा है। ऑटो अभी 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 ऊपर जाएगा जाने दो अभी ये वाला बैरिंग पकड़ के रखो नीचे ले लो पर उसको सिस्टम बोल्ट देख बोल्ट लो मारो। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो इस ट्रांसमिशन में क्या प्रॉब्लम निकला। अरे बहुत पूरी बॉडी टूटी हुई है। तो हम दोस्त दूसरे वीडियो में मिलेंगे फिटिंग करते हैं दिखाएंगे हम आपको। हाँ जी असेंबली मार खा गया यार। कौन सी असेंबली मार खा गई। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है उसमें तो सही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम क्या निकला। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। ओके बाय।